ओके सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग परफेक्टली वेल। आज का ये जो सेशन है, इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कैसे फर्मियंस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन वेरियस एनर्जी लेवल्स एंड हाउ टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉन्फिगरेशंस जो हो सकता है इन डिफरेंट केसेस। इफ यू कंसिडर द स्पिन, इफ यू डोंट कंसिडर द स्पिन, इफ दे आर आस्किंग टू फाइंड आउट द पार्टीशन फंक्शन, मतलब कैनोनिकल एनसेंबल में उसको कैसे लिख सकते हैं, और अगर सिर्फ माइक्रो कैनोनिकल एनसेंबल में व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉन्फिगरेशंस पूछा जा रहा है तो कैसे निकालेंगे। देखो, आई थिंक द क्वेश्चन इज विजिबल टू ऑल द पीपल, जहां पे बोला गया है कि एक सिस्टम है, हम लोग सिर्फ फर्मियंस के लिए करेंगे, बोसॉन्स और क्लासिकल पार्टिकल्स के लिए अभी नहीं करेंगे। बोला गया है कि एक सिस्टम गिवन है ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स, दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं विच कैन ऑक्यूपाई थ्री एनर्जी लेवल्स, दैट इज ई एन इज इक्वल्स टू एन इन टू एप्सिलॉन, जहां पे एन का वैल्यू 0 1 2 होता हो सकता है। लोएस्ट एनर्जी जो स्टेट है दैट इज जीरो, दैट इज डबली डीजनरेट, मतलब स्पेशल डीजनरेसी टू है, एंड द सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर टी। द सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर टी, वेरी गुड। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं द पार्टिकल्स आर द पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल फॉर्म्यूल्स, इग्नोर स्पिन, हम लोगों ने पहले केस में स्पिन को इग्नोर किया है। अगर स्पिन को इग्नोर करते हो तो इन दैट केस तुम्हारे यहां पे तीन एनर्जी लेवल्स हैं, एक तो तुम्हारा ई जीरो दैट इज इक्वल्स टू जीरो इंटू एप्सिलॉन, सो जीरो, एक है तुम्हारा ई वन दैट इज वन इंटू एप्सिलॉन दैट इज सिंपली एप्सिलॉन, एंड एक है तुम्हारा ई टू दैट इज टू इंटू एप्सिलॉन, दैट्स ऑल। अच्छा, ई जीरो का डीजेनरेसी टू है, डीजेनरेसी टू है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे तुम डेफिनेटली दो स्टेट देख सकते हो, ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है। अगर मान लो तुम्हारा स्पिनलेस आइडेंटिकल फर्मियॉन्स है तो दोनों के दोनों ए लिख सकते हैं, एक को इधर रख सकता हूँ, एक स्टेट में दो फर्मियॉन नहीं हो सकता, बट यहाँ पे दो स्टेट है करस्पॉन्डिंग टू दिस एनर्जी, तो एक को यहाँ रख सकता हूँ, 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 एक को यहाँ रख सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे रख के इधर रखा, यहाँ पे रख के यहाँ रखा, यहाँ पे रख के यहाँ रखा, यहाँ पे रख के यहाँ रखा। दूसरी बात, यहाँ पे रख के इधर रख सकता हूँ बट ऑलरेडी बीन काउंटेड, सो एक यहाँ पे रख के एक यहाँ पे रख सकता हूँ, एक यहाँ पे रख के एक यहाँ पे रख सकता हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स ये आए। तो जरा बताना, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल होना चाहिए था, जो तुम्हारा 4 इंटू 3 6 1 2 3 4 5, और एक होना चाहिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे 4 इंटू 3, ओके 6 स्टेट्स आने चाहिए, हाँ ठीक है। और एक हो सकता है, वेरी गुड, और एक क्या हो सकता है, एक को यहाँ रख सकता हूँ, दूसरे को यहाँ रख सकता हूँ, तो ये तुम्हारे टोटल 6 पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस आए। टोटल अगर मैक्रोस्कोपिक स्टेट पूछा जाए दैट इज 6। कैसे निकाला सर, यहाँ पे देखिए, जस्ट बिकॉज कोई एनर्जी कंस्ट्रेंट नहीं है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल एनर्जी कितने हैं जहाँ पे सजाना है फर्मियंस को, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स हैं यहाँ पे 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितने फर्मियंस को सजा रहे हो, 2, तो 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 फैक्टोरियल दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू 6, ऐसे दिखा दिया। तो ये अगर तुम्हारा पूछता माइक्रो कैनोनिकल एनसेंबल में तो डेफिनेटली एस इक्वल्स टू के बी इंटू एल एन 6 लिख के काम हो जाता, बट इन लोगों ने माइक्रो कैनोनिकल एनसेंबल का कुछ पूछा नहीं, इन लोगों ने हमें पूछा है कि पार्टीशन फंक्शन इन द कैनोनिकल एनसेंबल क्या होगा। तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या लिख सकते हो, सिस्टम की एनर्जी क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे अगर इसको एक फर्मियन को इधर रखते हो, एक फर्मियन को यहाँ पे रखते हो, तो डेफिनेटली टोटल एनर्जी 0 प्लस 0 इज 0, इस केस में टोटल एनर्जी 0 प्लस एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन, इस केस में टोटल एनर्जी 0 प्लस 2 एप्सिलॉन दैट इज 2 एप्सिलॉन, इस केस में टोटल एनर्जी 0 प्लस एप्सिलॉन दैट इज अगेन एप्सिलॉन, इस केस में टोटल एनर्जी 0 प्लस 2 एप्सिलॉन दैट इज 2 एप्सिलॉन, यहाँ पे टोटल एनर्जी एप्सिलॉन प्लस 2 एप्सिलॉन दैट इज 3 एप्सिलॉन, तो 3 एप्सिलॉन, दिस इज 2 एप्सिलॉन, दिस इज एप्सिलॉन, दिस इज अगेन 2 एप्सिलॉन, दिस वन इज एप्सिलॉन, दिस इज 0। तो पार्टीशन फंक्शन क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, पार्टीशन फंक्शन जेड फॉर टू पार्टिकल्स क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये है अगर कैनोनिकल एनसेंबल पूछा तो टोटल कॉन्फिगरेशन हम लोग यहाँ पे ऐसे निकालते हैं, बट अगर पार्टीशन फंक्शन पूछा गया है कैनोनिकल एनसेंबल में तो डेफिनेटली इसको कैसे लिखेंगे,
जो स्टेट तुम्हारा जीरो है मतलब टू पार्टिकल का कंबाइंड जो हैमिल्टोनियन बन रहा है वहां पे जब एनर्जी जीरो है वो सिर्फ एक ही बार आता है तो डिजेनरेसी इज वन तो वन इंटू ई टू द पावर ऑफ नेगेटिव ऑफ बीटा इंटू जीरो प्लस एप्सिलॉन दो बार आता है तो टू इंटू ई टू द पावर ऑफ नेगेटिव ऑफ बीटा इंटू एप्सिलॉन प्लस तुम्हारे यहाँ पे टू एप्सिलॉन दो बार आता है तो टू इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस बीटा इंटू टू एप्सिलॉन एंड प्लस थ्री एप्सिलॉन एक ही बार आता है तो वन इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस बीटा इंटू थ्री एप्सिलॉन सो दैट इज द पार्टीशन फंक्शन. अगर ये सेम क्वेश्चन तुम्हें कहा जाता करने के लिए टेकिंग द आइडेंटिकल फॉर्म्यूल्स आर स्पिन हाफ दे आर आइडेंटिकल स्पिन हाफ फॉर्म्यूल्स तो पार्ट वन को हम लोग फिर से कर रहे हैं यहाँ पे पार्ट वन को हम लोग फिर से कर रहे हैं दैट इज द पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल स्पिन हाफ फॉर्म्यूल्स इफ द पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल स्पिन हाफ फर्म्यूल्स स्पिन हाफ फर्म्यूल्स फर्म्यूल्स तो फिर कैसे करोगे सर जी ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा टफ होने वाला है. ई वन जो है दैट इज जीरो ई जीरो तुम्हारा जीरो होगा ई वन तुम्हारा होगा एप्सिलॉन ई वन जो है आपका वो है एप्सिलॉन एंड ई टू जो है दैट इज योर टू एप्सिलॉन और यहाँ पे ये जो स्टेट है सर ये डबल डीजनरेट है बट एक्चुअली इसका डिजेनरेसी स्पिन हाफ होने की वजह से जो स्पेशल स्टेट था मतलब स्पेशल स्टेट तो ऐसा था ग्राउंड स्टेट का स्पेशल डिजेनरेसी 2 फर्स्ट एक्सेलरेटर स्टेट का स्पेशल डिजेनरेसी 1 सेकंड एक्सेलरेटर स्टेट का स्पेशल डिजेनरेसी 1 अब यहां पे पार्टिकल स्पिन हाफ है तो हर एक स्टेट का डिजेनरेसी दुगना हो जाएगा. कैसे क्योंकि यहां पे एक स्टेट अप स्पिन में हो सकता है यहां पे एक स्टेट डाउन स्पिन में हो सकता है यहां पे एक स्टेट अप स्पिन में हो सकता है यहां पे एक स्टेट डाउन स्पिन में हो सकता है यहाँ पे एक स्टेट अप स्पिन में हो सकता है यहाँ पे एक स्टेट डाउन स्पिन में हो सकता है यहाँ पे एक स्टेट अप स्पिन में हो सकता है यहाँ पे एक स्टेट डाउन स्पिन में हो सकता है तो टोटल नंबर ऑफ डिजेनरेसी क्या होता है इसका 2 इसका 2 इसका 4 तो 2 2 4 4 एंड 4 इज 8 तो 8 फैक्टोरियल तो तुम लोग कितने फर्म्यूल्स सजा रहे हो सर जी 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फर्म्यूल्स सजा रहे हो तो 2 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 2 फैक्टोरियल तो ये तुम्हारा कितना बनेगा टोटल कोई एनर्जी कंसर्न नहीं है तो डायरेक्टली फॉर्मूले में बिठा दिया डिजेनरेसी डिवाइडेड बाय जितने फर्म्यूल को सजा रहे हो डिवाइडेड बाय 8 माइनस दैट तो ये तुम्हारा आ जाएगा 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 28 तो 28 स्टेट्स आएंगे. थोड़ा ध्यान से यहाँ पे इसका दो स्पेशल डिजेनरेसी है तो यहाँ पे ये दाग दे दिया मैंने. चलो अब देखते हैं सजाते हैं. सबसे पहले काम कर सकता हूँ दोनों को यहाँ पे रख सकता हूँ एक को स्पिन अप एक को स्पिन डाउन देके क्योंकि स्टेट का डिजेनरेसी 2 है दोनों को यहाँ पे रख सकता हूँ एक को स्पिन अप एक को स्पिन डाउन देके एक को यहाँ रख सकता हूँ स्पिन अप तब यहाँ स्पिन अप एक को यहाँ रख सकता हूँ स्पिन अप तब यहाँ स्पिन डाउन एक को यहाँ रख सकता हूँ स्पिन डाउन तब इसका स्पिन अप एक को यहाँ रख सकता हूँ स्पिन डाउन तब इसका स्पिन डाउन अब एक को यहाँ रख सकता हूँ स्पिन अप तब इसका स्पिन अप एक को यहाँ रख सकता हूँ स्पिन अप तब इसका स्पिन डाउन एक को यहाँ रख सकता हूँ स्पिन अप तब यहाँ पे एक पार्टिकल को स्पिन अप में रखा एक को यहाँ रख सकता हूँ स्पिन अप क्या यहाँ पे इस पार्टिकल को स्पिन डाउन में रखा तो दैट इज द थिंग आप रख के आप रख के डाउन आप रख के यहाँ पे डाउन. अब यहाँ पे और काम कर सकता हूँ यहाँ पे चार आ जाएंगे या बहुत ही वो हो जाएगा डाउन 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 दिख रहा है क्या चलो दिख रहा है तो ये जो सिनेरियो है सर यहाँ पे तो जब ये डाउन है तो ये आप हो सकता है जब ये डाउन है तो ये आप हो सकता है ये डाउन है तो ये डाउन हो सकता है ये डाउन है तो ये आप हो सकता है ये डाउन है तो ये डाउन हो सकता है. चलो कितने काउंट हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और बाकी टोटल 28 बनेंगे तो यहाँ पे भी देख लेते हैं ठीक है या नेक्स्ट पेज में करते हैं आ जाओ नेक्स्ट पेज में करते हैं. तो यहाँ पे ये तुम्हारा हो गया E1 जो तुम्हारा जीरो है यहाँ पे हो गया ये E2 E1 that is epsilon and E2 that is your 2 epsilon. अब यहाँ पे just because E0 हुआ ये E0 जो तुम्हारा ground state था उसका special degeneracy 2 था
मतलब बिना स्पिन कंसिडर करे हुए अगर सिर्फ स्पेशल डिजाइन से ले रहा हूँ तो वो 2 होगा, तो दैट इज द थिंग। चलो अब क्या कर सकता हूँ, अब मैंने यहाँ पे सारे के सारे रख दिए हैं, तो अब यहाँ पे रख सकता हूँ, यहाँ पे स्पिन अप, इधर स्पिन अप, इधर स्पिन अप रख के इधर स्पिन डाउन, यहाँ पे स्पिन अप रख के यहाँ पे स्पिन अप, यहाँ पे स्पिन अप रख के यहाँ पे स्पिन डाउन, अब यहाँ पे स्पिन अप रख के, नहीं यहाँ पे स्पिन डाउन रख के इधर स्पिन अप, स्पिन डाउन रख के स्पिन डाउन, स्पिन डाउन रख के स्पिन अप, स्पिन डाउन रख के स्पिन डाउन, ये हुआ। अच्छा अब इन दोनों के बीच में रखते हैं, आप डाउन डाउन आप डाउन डाउन, फिर यहाँ पे एक में अप डाउन, क्योंकि इसका भी तुम्हारा टोटल डिजाइन से तो 2 है, तो यहाँ पे एक स्पिन अप स्पिन डाउन दे सकता हूँ, यहाँ पे एक स्पिन अप स्पिन डाउन दे सकता हूँ। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 प्लस 14 इज 28 जो हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा था, क्योंकि तुम्हारा जो ग्राउंड स्टेट है E0 उसका डिजेनरेसी 2 है, ये तुम्हारे E0, ये तुम्हारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो है E1 है, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट तुम्हारा है E2, तो टोटल डिजेनरेसी यहाँ पे है 2, DGENERACY डिजेनरेसी इसका है 2, इसका है 2, इसका है 4, स्पेशल डिजेनरेसी मल्टीप्लाइड बाय स्पिन हाफ पार्टिकल है, तो स्पिन डिजेनरेसी इज 2, तो मल्टीप्लाई करो टोटल डिजेनरेसी 4 आया, तो टोटल तुम्हारा 4 प्लस 2 प्लस 2 दैट इज 8, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय तुम्हारा कितने पार्टिकल से जा रहे हो, 2 पार्टिकल इंटू 8 माइनस 2 फैक्टोरियल दैट इज योर 28 कॉम्बिनेशन बनेंगे जो हमारे यहाँ पे बने भी हैं। अब ये बनने के बाद अगर तुम टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालना चाहते हो, ई सिस्टम, दैट यू कैन डेफिनेटली फाइंड आउट एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा। इस केस में दोनों के दोनों को जब जीरो में रखा है तो पहला ये जीरो आएगा, अच्छा ये जीरो 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 जीरो, कितने जीरोज आए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो पहले तो 6 जीरो लिखो, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हो गए, थोड़ा ऊपर ऊपर लिखना चाहिए, एक दो तीन चार पांच छह, इसके लिए ये थोड़ा यहां पे होगा, है ना, ये लास्ट वाला, इसके लिए यहां पे थोड़ा नीचे, चलो ठीक है, छह यहां पे, यहां तक ये आ गया, इसका यहां पे हुआ, पांच है, आई थिंक इट्स फाइन, टोटल 6 जीरोज आर देयर, टोटल 6 जीरोज आर देयर, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। अब इसके नीचे यहाँ पे एक तो तुम्हारे सारे इसमें है और एक यहाँ पे है, तो इस केस में ये आप में है, ये डाउन में है, तो ये एप्सिलॉन एप्सिलॉन, यहाँ पे एक 2 एप्सिलॉन है, तो ये एप्सिलॉन एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन, यहाँ पे इस केस में ये आप में है डाउन में है, तो फिर से एप्सिलॉन एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन, उसके बाद इधर आओ, एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा, एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा, सर यहाँ पे देखिए, एक को जीरो में रखे हो, एक को एप्सिलॉन में रख रहे हो, तो डेफिनेटली एप्सिलॉन एप्सिलॉन, यहाँ पे 2 एप्सिलॉन रख रहे हो, तो 2 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन, फिर यहाँ पे एक को एप्सिलॉन में रखे हो तो एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन में रखे हो तो एप्सिलॉन, यहाँ पे 2 एप्सिलॉन रखे तो 2 एप्सिलॉन, यहाँ पे 2 एप्सिलॉन रखे तो 2 एप्सिलॉन, ठीक है, तो इसके लिए 2 एप्सिलॉन आया, यहाँ पे भी 2 एप्सिलॉन होगा, यहाँ पे एप्सिलॉन होगा, यहाँ पे एप्सिलॉन होगा, इधर भी 2 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन, वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या किए हैं हम लोगों ने, दोनों एक को एप्सिलॉन में रखा है, एक को 2 एप्सिलॉन में रखा है, वेरी गुड, तो टोटल 3 एप्सिलॉन आएगा, तो ये तुम्हारा 3 एप्सिलॉन हुआ, 3 एप्सिलॉन हुआ, 3 एप्सिलॉन हुआ, 3 एप्सिलॉन हुआ, यहाँ पे दोनों के दोनों को एप्सिलॉन रखे तो 2 एप्सिलॉन हुआ,
यहाँ पे दोनों के दोनों को 3 epsilon 2 epsilon रखे तो 4 epsilon हुआ। आप बताओ टोटल तुम्हारा जो एनर्जीज है वो क्या क्या है। एक है एप्सिलॉन सिस्टम की एनर्जी, एक है एप्सिलॉन जिसका डीजेनरेसी कितना है 2 epsilon, डीजेनरेसी कितना है 3 epsilon, डीजेनरेसी कितना है 4 epsilon, डीजेनरेसी कितना है। सर जी अगर एप्सिलॉन की बात करें, ओ ओके, और जीरो भी है, जीरो भी है और है जीरो, दिस अनदर थिंग कॉल्ड जीरो, उसका डिजेनरेसी एप्सिलॉन, उसका डिजेनरेसी जीरो का डिजेनरेसी है, देखिए 1 2 3 4 5 6 जीरो का डिजेनरेसी है 6। एप्सिलॉन का डिजेनरेसी कितना है, एप्सिलॉन डिजेनरेसी है 1 2 3 4 5 6 7 8 8। 2 epsilon का डिजेनरेसी कितना है सर, 2 epsilon क्या है तुम्हारा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9। और 3 epsilon का डिजेनरेसी कितना है, 3 epsilon का डिजेनरेसी यहाँ पे ही मिलेगा तुम्हें 1 2 3 4 4 है और 4 epsilon का डिजेनरेसी है 1, तो टोटल ऐड करके आ रहा है 28। 9 + 1 10 + 4 14 14 28, ठीक है, तो टोटल रीजेंसी आ गया। तो तुम यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन लिख सकते हो फॉर टू स्पिन हाफ पार्टिकल्स, दैट विल बी एक्चुअली इक्वल्स टू 6 × e−β(0) + 8 × e−β(-β)(2ε) + 9 × e−β(-β)(3ε) + 1 × e−β(-β)(4ε). That is the answer, the partition function for the system. That is the answer, the partition function for the system. The partition function for the system, if you consider them to be spin half fermions, or agar tum spin half fermions nahi mante ho inko, agar tum mante ho ki they are identical fermions, just ignore the spin, to definitely ye tumhare aise aayenge. तो टोटल यहाँ पे तुम्हारा मैक्रो माइक्रोस्कोपिक स्टेट जो होते हैं कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज 6, यहाँ पे तुम्हारे टोटल कॉन्फ़िगरेशन आएंगे दैट इज तुम्हारा 8 28। यहाँ पे जो टोटल कॉन्फ़िगरेशन आएंगे वो है तुम्हारा 28। अगर ये प्रॉब्लम ही पूछा जाता माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में तो सीधा अगर इंटरव्यू पूछो तुम लिखते KBln 28। अगर ये प्रॉब्लम पूछा जाता माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में तो तुम सीधा आंसर लिखते KB(ln(6), दैट इज द एंड प्रॉब्लम। बट इस केस में तुम्हें पार्टीशन फंक्शन के बाद फिर वही तुम्हें एवरेज एनर्जी निकालना पड़ेगा, एवरेज एनर्जी के बाद तुम वो निकालोगे क्या कहते हैं हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, आफ्टर दैट तुम एंट्रोपी निकाल सकते हो। दैट्स अ मच लार्जर प्रोसेस इन कैनोनिकल एंसेंबल, बट माइक्रो कैनोनिकल में बहुत आसान है। उसके बाद यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला गया द पार्टिकल्स ऑफ द बोस स्टैटिस्टिक्स, तो बोस स्टैटिस्टिक्स में पार्टीशन फंक्शन निकाल सकते हो, दैट्स काइंड ऑफ इजी नॉट टफ। अगर मान लो कि बोस स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है तो डेफिनेटली इन केस ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट बोस स्टैटिस्टिक्स में एक स्टेट में कितने भी पार्टिकल्स रख सकते हो, नो इश्यूज। तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस कितने बनेंगे मैं वो कर देता हूँ, बट सजाना तुम्हारा काम है या कर ही देता हूँ, चलो ठीक है। एक तो तुम्हारा ई जीरो जीरो है, ई वन तुम्हारा एप्साइलन है एंड ई टू तुम्हारा है 2 epsilon। बट इसका डेफिनेटली सर दो स्टेट है, यहाँ पे दो स्टेट है, दो स्टेट है, तो दे आर आइडेंटिकल बोसॉन्स एंड आई एम नॉट टेकिंग द स्पिन, सो यहां रख सकता हूँ दो को, दो को इधर रख सकता हूँ, एक को यहाँ रख के एक को यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ रख के 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 यहाँ रख सकता हूँ, दो को यहाँ पे रख सकता हूँ, दो को यहाँ पे रख सकता हूँ, एक को इधर रख के एक को इधर रख सकता हूँ, एक को यहाँ रख के एक को यहाँ, एक को यहाँ रख के एक को यहाँ, इधर रख के यहाँ, यहाँ रख के यहाँ। अच्छा बाकी यहाँ पे दो रख सकता हूँ, एक को यहाँ रख के एक को यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ पे दो रख सकता हूँ, यहाँ पे दो रख सकता हूँ, और पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस बन सकता है। टोटल कितना है डिजेनरेसी 4, तो 2 + 4 − 1 ∫ बनना चाहिए अगर तुम्हारा ऐसा सिनेरियो है बोसॉन्स के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्लस डिजेनरेसी जिसमें तुम सजा रहे हो 4 − 1 ∫ by 2 ∫ × 4 − 1 ∫ by 2 ∫ × 4 − 1 ∫ कितना बनेगा 5 ∫ 4 − 1 = 3 ∫ 5 ∫ मतलब 5 × 4 × 3 ये जो 2 ∫ तो 2 से 10 10 बनने चाहिए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 कॉन्फ़िगरेशंस बन गए 10 कॉन्फ़िगरेशंस बनने चाहिए थे 10 कॉन्फ़िगरेशंस बन चुके हैं तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ठीक है।
सो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे तुम अगर सिस्टम का टोटल एनर्जी निकालना चाहते हो, यू कैन डेफिनेटली फाइंड आउट। प्लीज ई सिस्टम कितने आएंगे भाई, इस केस में एनर्जी है तुम्हारा जीरो, इस केस में भी एनर्जी है तुम्हारा जीरो, इस केस में तुम्हारा एनर्जी जीरो, इस केस में तुम्हारा एनर्जी एप्सिलॉन, इसके बाद वाले केस में तुम्हारा एनर्जी टू एप्सिलॉन, इस केस में तुम्हारा एनर्जी फिर से एप्सिलॉन, इस केस में तुम्हारा एनर्जी फिर से टू एप्सिलॉन, इस केस में तुम्हारा एनर्जी टू एप्सिलॉन, इस केस में तुम्हारा एनर्जी थ्री एप्सिलॉन, इस केस में तुम्हारा एनर्जी फोर एप्सिलॉन। तो डेफिनेटली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ठीक है, 4 एप्सिलॉन, 3 एप्सिलॉन, 2 एप्सिलॉन, इधर तुम्हारा 2 एप्सिलॉन, यहाँ पे तुम्हारा एप्सिलॉन, यहाँ पे 2 एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, दिस इज 0, 0, 0। तो पार्टीशन फंक्शन अगर लिखोगे तो क्या आएगा, Z2 फॉर बोसोनिक सिस्टम विल बी इक्वल्स टू, 3 0 है तो 3 × e^(-β×0, प्लस तुम्हारे एप्सिलॉन कितने हैं यहाँ पे 1, 2, तो 2 × e^(-β×ε), प्लस तुम्हारे यहाँ पे कितने हैं 2 एप्सिलॉन 1, 2, 3, तो 3 × e^(-β×2ε), एंड प्लस 4 एप्सिलॉन कितने हैं तुम्हारे, 3 एप्सिलॉन कितने हैं तुम्हारे, 3 एप्सिलॉन है सर जी सिर्फ एक, तो 1 × e^(-β×3ε) प्लस 1 × e^(-β×4ε), दैट इज द आंसर फॉर द बोसोनिक सिस्टम। ठीक है, सो आई होप दिस क्वेश्चन वॉज हेल्पफुल एंड आप लोगों ने काफी सीखा है कि फर्मियंस एंड बोसॉन्स को कैसे अरेंज करके हम लोग पार्टीशन फंक्शन निकाल सकते हैं। एक बात मैं कह दूं कि जो जो भी बच्चे CSIR ने दिसंबर 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके लिए बूस्टर कोर्स हैज ऑलरेडी बीन लॉन्च्ड, जिस कोर्स का ओरिएंटेशन आपका होगा थर्सडे 26th ऑफ सितंबर एग्जैक्टली 10 बजे इन द मॉर्निंग, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कोर्स के सिलेबस के स्ट्रक्चर के बारे में, कैसे पढ़ाया जाएगा कोर्स को, कितने टाइम के अंदर कोर्स को खत्म करेंगे, कौन से कोर्सेज मैं पढ़ाऊंगा, कौन सा राधिका मैम पढ़ाएंगी, एंड आफ्टर दैट यू कैन सी व्हाट वी विल प्रोवाइड, हाई क्वालिटी टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर्स, फुल्ली सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स, PhD मेंटरशिप प्रोग्राम एक्सेस विल बी गिवन टू यू, गेट एक्सेस टू फ्री रिकॉर्डेड फुल कोर्सेज, क्विक रिविजन ऑफ मॉक टेस्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मॉक टेस्ट सीरीज विद डिटेल सॉल्यूशंस, एवरीथिंग विल बी देयर, एंड प्लस फ्री PYQ बुक्स। सो आई थिंक जो भी बच्चे अभी तक सेल्फ स्टडी कर रहे थे एंड नाउ दे आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग इन टू अ कोर्स, जो आपको ब्रश अप करना है, कुछ अच्छे क्वेश्चन करना है एंड PYQ सॉल्व करना है, उसके लिए बूस्टर कोर्स इज वेरी वेरी मच हेल्पफुल। सो डेफिनेटली डोंट डिले, डू हरी अप एंड ज्वाइन एंड एनरोल योरसेल्फ एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो।